हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 18 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त 2021 के जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं NTA UGC नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 के एग्ज़ाम के लिए, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो का फॉर्मेट आप सभी जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग अ पॉलिसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों की सुरक्षा के लिए कौन सी राज्य सरकार की नीति लाने की योजना है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट है इनमें से, ऑप्शन ए राजस्थान, जो लेकर आएगी पॉलिसी किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, यानी कि वनों की सुरक्षा के लिए राजस्थान राज्य सरकार नीति लाने की योजना में है। राजस्थान गवर्नमेंट जल्द ही पॉलिसी लेकर आएगी स्टेट में प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट के, जो कि किन्होंने कहा है, जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्होंने, जो कि कौन है, अशोक गहलोत। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं करंटली, उन्हें, यानी कि वर्तमान में उन्हें किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, शासित किया जाता है, किनके द्वारा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, इसके द्वारा गवर्न किया जाता है जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वर्तमान में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि आपका हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। वन ऑफ द मिशन है किसके अंडर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर, जो कि आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक भी है, इन शॉर्ट NAPCC। इसका एक मिशन है कौन सा, ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि लॉन्च किया गया था कब, 2014 में। प्राइमरी एम क्या है इस मिशन का, मुख्य उद्देश्य क्या है इस मिशन का, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और इन्हांस करना, जो भारत का कम होता जा रहा है फॉरेस्ट कवर, उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसकी रक्षा करना, उनको रिस्टोर करना, पुनर्स्थापन करना उनका, और इन्हांस करना है, वृद्धि करना है फॉरेस्ट कवर में, किसके अंडर, ग्रीन इंडिया मिशन के अंडर। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, आपको बताना है इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच स्टेट, यानी कि भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप किस राज्य के लिए लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन बनता है किससे, जो आपकी यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसका सब टॉपिक है कौन सा, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, उससे आपका ये क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किस स्टेट के लिए, इनमें से ऑप्शन डी उत्तराखंड के लिए। 4 अगस्त 2021 को IIT रुड़की ने लॉन्च किया अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के लिए, और ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड किया गया है किसके द्वारा, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा, इन शॉर्ट USDMA द्वारा, क्योंकि जो उत्तराखंड क्षेत्र है, रीजन है, वहाँ पे एक्टिव रहता है अर्थक्वेक और काफ़ी खतरा बना रहता है। और शुरू में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि स्टार्टिंग के लिए है ये प्रोजेक्ट अभी के लिए, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा किया गया है, किसके लिए, गढ़वाल रीजन के लिए, उत्तराखंड के, जहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं करंट पुष्कर सिंह धम्मी द्वारा, और इसके अलावा IIT रुड़की के डायरेक्टर कौन है, अजीत के चतुर्वेदी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपका बनता है हायर एजुकेशन सिस्टम से, ये करंट अफेयर बनता है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है। इनमें से वो है ऑप्शन ए केरल, केरल के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन, उन्होंने कहा है कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड को सेटअप किया जाएगा
और ये सेम होगा जैसे कि उनके स्टेट में है डिज़ास्टर रिलीफ फंड, सेम उसी तरह का होगा एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड। और किसका पार्ट होगा ये, विद्या किरणम इनिशिएटिव का, जो प्रोवाइड करता है डिजिटल एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंडिया हैज़ साइंड $250 million प्रोजेक्ट विद विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंक्रीज लॉन्ग टर्म सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टिंग डैम्स। यानी कि भारत ने मौजूदा बांधों की दीर्घकालिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ $250 million की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से वो है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ इंडिया ने साइन किया है $250 million का प्रोजेक्ट, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ताकि इंडिया इंक्रीज कर सके लॉन्ग टर्म सेफ्टी जो उनके पहले से मौजूदा डैम्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ इंडिया के जो वेरियस स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें इम्प्रूव कर सके सेफ्टी और परफॉर्मेंस जो पहले से मौजूदा डैम्स हैं उनकी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन में है यूनाइटेड स्टेट्स के। वर्ल्ड बैंक फॉर्मेशन कब हुआ था, जुलाई 1944। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द सेंटर हैज़ एलोकेटेड हाउ मच फंड टू इम्प्लीमेंट द डीप ओशन मिशन। यानी कि केंद्र ने डीप ओशन मिशन को लागू करने के लिए कितना फंड आवंटित किया है। सेंटर ने एलोकेट किया है इनमें से ऑप्शन ए ₹4,077 करोड़ का फंड इंप्लीमेंट किया है, किसके लिए, डीप ओशन मिशन के लिए। डीप ओशन मिशन इंप्लीमेंट किया जाएगा सेंटर द्वारा, जहां पर बजट कितना है ₹4,077 करोड़, कब तक के लिए है, 2021 से 2026 तक के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री है जो इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी किसे, डीप ओशन मिशन को, कितने बजट के साथ, 4,077 करोड़ के बजट के साथ 5 सालों में। और ये सूचित किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है मिनिस्टर द्वारा, कौन से मिनिस्टर द्वारा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, जहां पर उन्होंने एक रिटर्न रिप्लाई दिया है राज्यसभा में इससे रिगार्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको बताना है, हायर एजुकेशन सिस्टम से आपका एक करंट अफेयर है, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड वन आफ्टर कर्नाटक टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन गया है। वो दूसरा स्टेट कौन सा है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और पहला स्टेट कौन सा था, कर्नाटक, जिसने लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था किससे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है इम्प्लीमेंटेशन किसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, किसकी प्रेजेंस में, गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, उनकी प्रेजेंस में, कब, 26 अगस्त 2021 को। देन इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ही रिलेटेड हमारे कुछ और पॉइंट्स भी बनते हैं, जिनको हम इसी क्वेश्चन के साथ कवर कर लेते हैं, जहां पर वो पॉइंट है, पीएम मोदी ने लॉन्च किए सेवरल, यानी कि कई एजुकेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किए, कब किए, जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, कब, 29 जुलाई 2021 को। और ये इनिशिएटिव्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स रीजनल लैंग्वेजेस में, गाइडलाइंस फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, विद्या प्रवेश, इंडियन साइन लैंग्वेज, निष्ठा 2.0, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, इन शॉर्ट सफल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सफल, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। देन इसके बाद नेक्स्ट है, अ वेबसाइट डेडिकेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक वेबसाइट डेडिकेट की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और देन लास्ट में जो इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर इन शॉर्ट NDER, और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इन शॉर्ट NETF। तो ये कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव है जिन्हें लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा,
जहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया था नेशन को 29 जुलाई 2021 को, फर्स्ट एनिवर्सरी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसी क्वेश्चन से एसोसिएटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो हमारा, उन्होंने लॉन्च किया है बुकलेट जब 1 ईयर हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जहाँ पर इन्होंने कुछ अचीवमेंट और कुछ अदर इनिशिएटिव्स को मेंशन किया है, जैसे कि ई कॉमिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमिक कम एक्टिविटी बुक प्रिया, द एसेसिबिलिटी वॉरियर इनिशिएटिव की शुरुआत की, वर्चुअल स्कूल्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए, इसके बाद निपुण भारत मिशन, विद्या प्रवेश और ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के लिए, इन शॉर्ट एनडीआर के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट और यूटी विल इम्प्लीमेंट अ न्यू 10 ईयर क्लाइमेट एक्शन प्लान बाय ईयर एंड, यानी कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश साल के अंत तक एक नई 10 वर्षीय जलवायु कार्य योजना लागू करेगा। इनमें से वो है दिल्ली। दिल्ली क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा एक नई 10 ईयर क्लाइमेट एक्शन प्लान, कब तक, इस साल के अंत तक। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली लास्ट है जिसने सबमिट किया है क्लाइमेट एक्शन प्लान सेंटर को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को 2009 में, और रिक्वेस्ट किया था सभी स्टेट्स को कि वो प्रिपेयर करें अपने खुद के जो स्पेसिफिक प्लान्स हैं उनको प्रिपेयर करें, और दिल्ली ने 2019 में जो कि लास्ट था क्लाइमेट एक्शन प्लान को सबमिट करने वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड रीनेबल एनर्जी लिमिटेड इन शॉर्ट NTPCREL हैज़ कमीशन्ड यानी कि चालू कर दिया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट ऑफ डैश मेगावाट पावर ऑन द रिजर्वर यानी कि जलाशय पर स्माद्री थर्मल स्टेशन, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। NTPCREL ने चालू किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट, कितने मेगावाट का है, जो इनमें से ऑप्शन बी 25 मेगावाट का है, सिमाद्री थर्मल स्टेशन पर जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। फोटोवोल्टिक्स इन शॉर्ट PV क्या होता है, जहां पर कन्वर्ट किया जाता है सनलाइट को डायरेक्ट किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये करंट अफेयर आपका बनता है ICT से, फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इन शॉर्ट USOF has inked an agreement with Dash, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इन शॉर्ट USOF ने Dash के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता किया गया है ऑप्शन ए BSNL के साथ यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ, जहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, अवेलेबल होगा हाई क्वालिटी और हाई स्पीड इंटरनेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में प्रोवाइड की जाएंगी सर्विसेज जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है, हमारे अश्विनी वैष्णव, जो कि करंट यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है, डैश बिकम्स इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क विद सैटेलाइट फोन्स, यानी कि डैश सैटेलाइट फोन के साथ भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। वो बन गया है ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क बन गया है सैटेलाइट फोन्स के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, एज ऑफ मई 2021 देयर आर डैश रामसर साइट्स इन इंडिया, यानी कि मई 2021 तक भारत में डैश रामसर स्थल हैं। मई 2021 तक इनमें से ऑप्शन सी 46 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, पहले कितनी थी, 42 थी, और 42
रामसर साइट कौन सी थी? टीएसको कर, जो कि लद्दाख में है। देन इसके अलावा चार नई साइट्स को भी इंडिया ने ऐड किया है रामसर लिस्ट में, जो अब क्या होंगे? वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। अब इन वेटलैंड्स का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, और इसी के साथ अब टोटल नंबर हो गया है रामसर साइट्स का इंडिया में 46। और ये नई चार साइट्स कौन सी है 42 के बाद? थोल लेक गुजरात, वधवाना वेटलैंड गुजरात, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा। ये चार नई रामसर साइट्स हैं। और इसके अलावा भी हम रामसर कन्वेंशन को काफ़ी बार डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप वो वीडियोस को भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियाज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क इनॉग्रेटेड इन डैश, यानी कि भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन डैश में किया गया। वो किया गया उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चमोली में, माना विलेज है वहाँ पर किया गया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी इन इंडिया। इनमें से बन गई है फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी इंडिया में ऑप्शन सी, इंदौर। इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है, और ये कंट्री की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी है। किसके अंडर? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंडर। और साथ ही साथ स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल सर्वे होता है क्लीननेस के लिए, हाइजीन के लिए और सैनिटेशन के लिए सिटीज़ और टाउन्स में, जिसे लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि ये स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज़ दी वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट। वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? ये प्रोवाइड किया जाता है सिटी को जो मेंटेन करती है क्लीनिनेस रिवर्स में, और जो ड्रेन सिस्टम होता है उनमें मेंटेन करती है क्लीनिनेस अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, यानी कि अपने प्रशासन के अंडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड। यहाँ पर नंबर वन स्टेटमेंट क्या है? वर्ल्ड लॉयन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अगस्त 10। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन दी आईटी सेक्टर। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी नंबर वन स्टेटमेंट कौन सी थी, वर्ल्ड लॉयन डे, जो कि हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अगस्त को। रेज करने के लिए अवेयरनेस किसके बारे में? कंजर्वेशन ऑफ लॉयंस के बारे में, लॉयंस के संरक्षण के बारे में। और इसके अलावा जो लॉयन है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, खतरे में है ये प्रजाति IUCN रेड लिस्ट में। देन नेक्स्ट पॉइंट में इंडिया ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट लॉयन पॉपुलेशन, जहाँ पे इंक्रीज हुआ है 29% का 2015 से लेकर 2020 के बीच में। नेक्स्ट है 2013 में को फाउंडर्स डेरेक और वेबरली जॉबर्ट ने बिग कैट इनिशिएटिव और नेशनल ज्योग्राफिक ने पार्टनरशिप की थी इस दिन को क्रिएट करने के लिए। कौन सा दिन? वर्ल्ड लॉयन डे। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10 अगस्त 2021 को, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि इंट्रोड्यूस करेंगे राजीव गांधी अवार्ड स्टेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, और ये अवार्ड दिया जाएगा हर साल 20 अगस्त को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किन की? राजीव गांधी की। और देन इसके बाद नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया होस्ट करेगा पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कब? अक्टूबर 2021 में, जहां पर थीम क्या होगा? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। तो ये थे हमारे 14 MCQs। देन इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, इन MCQs से अलग हैं जो कि, तो इस वीडियो में हमने 14 MCQs को ही कवर किया है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनमें नंबर वन हमारा पॉइंट है, इंडिया ने पहला स्मोक टावर इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर? दिल्ली के कनॉट प्लेस में। देन इसके बाद सेकंड पर है, पीएम मोदी ने सेट किया है इंडिया का टारगेट कि इंडिया बन जाएगा एनर्जी इंडिपेंडेंट कब तक? 2047 तक, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन जाएगा 2047 तक। देन इसके बाद
छत्तीसगढ़ बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू रिकोगनाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन एन अर्बन एरिया, यानी कि छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड हम एक पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। इस क्वेश्चन में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या होता है, जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 जो देता है ग्राम सभा को राइट की वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं यानी कि दोबारा से सुधार कर सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं किसी भी फॉरेस्ट रिसोर्सेस को जो कि यूज किया जाता है एंटायर कम्युनिटी द्वारा या फिर गांव द्वारा जो उसे सस्टेनेबल यूज के लिए यानी कि स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली जो है प्रोटेक्ट करते आए हैं और कंजर्व करते आए हैं यानी कि संरक्षित करते आए हैं। देन इसके बाद में हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ने फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया है उसका करनाल लेक रिजोर्ट पर जो कि हरियाणा में है, और इसी के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे बन गया है, इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग ने और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया ने जॉइंटली यानी कि मिलकर लॉन्च किया है संयुक्त रूप से फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया में, डीकार्बनाइजिंग यानी कि कार्बन को रिड्यूस करना, कार्बन को कम करना। और लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि आपके अगस्त 2021 में सेलिब्रेट किए गए। वर्ल्ड एलिफेंट डे जिसे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल यूथ डे इसे भी 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, किस थीम के साथ, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। नेक्स्ट है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इसे 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, और साथ ही साथ 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेट किया गया, और उसके बाद 22 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट किया गया, और लास्ट में वर्ल्ड वाटर वीक 2021 मनाया गया 23 से 27 अगस्त के बीच। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अगस्त 2021 से रिलेटेड जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको डिस्कस किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 14 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को ठीक किया है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।